जय हिंद, जय भारत, जन कल्याणकारी चैनल के तहत जन जन तक सच्ची खबर होमगार्ड व जो होमगार्ड की सेवा नियमावली बनाने का सुझाव हाई कोर्ट बेंच ने दिया है और दोनों रेटों को खारिज कर दिया है। तो इसमें ये एसोसिएशन का किसी प्रकार का कोई मुकदमा नहीं था, ये था प्राइवेट ले गए थे। तो जैसे ये ले गए मनीष कसाना जीपीएफ का ले गए, तो ये एसोसिएशन की तरफ से नहीं है और ना एसोसिएशन कभी अभी तक हार हाथ लगी। यदि इसमें सारे एसोसिएशन तरफ से लगे होते, मीटिंग होती है, उसका प्रस्ताव लगा होता, मेंबर्स जो कार्ड बनते हैं एसोसिएशन का वो लगा होता, प्रमाण पत्र लगा होता और इसमें स्टेटमेंट भी लगवा देना चाहिए था बैंक से लगा कि एक साल से लेकर 30-30, 35-35, 40-40 साल से कंटिन्यू ड्यूटी कर रहे हैं, सुरक्षा व्यवस्था से जोड़ करके काम लिया जा रहा। वो तो वहाँ दलील दिया सरकारी वकील कि इनको जब बुलाया जाता है तब ड्यूटी पर होते तब सिविल धारक माना जाता है, लोक सेवक कहलाता है। तो हम तो बराबर कर रहे हैं, कानून व्यवस्था से जोड़ करके आज काम ले रहे हैं। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट में रखा, हाई कोर्ट में रखा, लेकिन वो कागज लगे थे एसोसिएशन की तरफ से और इसमें कोई मेंबर्स तक नहीं था। अगर मेंबर्स का एसोसिएशन का इनका अधिकार लगा होता कि हमारी एसोसिएशन एक कब से काम कर रही, वो दिखाए हैं कि बनाने जा रहे थे एसोसिएशन, उसमें दिया भी है कि एसोसिएशन सिविल धारक नहीं है तो इनके एसोसिएशन ये बना सकते हैं, लेकिन एसोसिएशन के कोई कागज नहीं लगे थे। लगे थे अपना कहाँ से लेंगे, ये जैसे गलत लोगों को चक्कर में पड़ करके एसोसिएशन के झूठे पदाधिकारी बन करके लगाए थे, वो माना नहीं गया। प्रेजेंट टाइम का जो रिवल है वो सब मांगा लगाना चाहिए थे, अब मुझसे मांगे हैं। अब समझ में आया ये एसोसिएशन होती क्या है, एसोसिएशन की ताकत क्या होती है, नियम कानून क्या होते हैं। तो प्रदेश के कोई होमगार्ड गुमराह ना हो, ये एसोसिएशन का केस नहीं, एसोसिएशन का केस 55-80 है और वो कंटम को नहीं बनना, नई मैंने रीट डाली है, कागज वही सब लगे हैं, आदेश वही लगा है, लेकिन नई रीट में जाएंगे क्योंकि आप थोड़ा मिला या बहुत मिला पूरा प्रदेश क्यों ले लिया, इसका बहिष्कार कर देते, इनको देना होता, बिहार को दिया, अन्य प्रदेशों को दिया, 721,700 लगा, फिर सारे भत्ते जोड़े हैं उस पर, फिर महंगाई भत्ता लगाया है, तब वहाँ हुआ है। और ये सब नियम के तहत जैसे विधानसभा सत्र या लोकसभा सत्र चलता है उसमें एक प्रस्ताव बनता है, वो प्रस्ताव को सरकार तो मानती है साथ में कोर्ट भी मानती है, वही संगठनों का है, इसकी मीटिंग होती है, जो मीटिंग में पास होता है वो प्रस्ताव बनता है, उस पर सबके साइन होते हैं तो उसको प्रस्ताव कहते हैं कि सर्वसम्मत से पास किया गया इस काम के लिए और उसमें सब डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एसोसिएशन के। तो भैया जो जहाँ पर जिस घर में चार चार मालिक बन गए वो घर बर्बाद होने के अलावा कुछ बचेगा नहीं, चाहे वो घर हो, चाहे मोहल्ला हो, चाहे गांव हो, चाहे जिला हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, वो घर बर्बाद हो जाएगा, वो मोहल्ला बर्बाद हो जाएगा, वो जिला बर्बाद हो जाएगा,
वो देश बर्बाद, प्रदेश बर्बाद हो जाएगा, वो देश बर्बाद हो जाएगा, जहाँ तमाम तमाम कानून, जिस घर में एक कानून के बजाय दो कानून चलने लगी वो घर बर्बाद। ऐसे होमगार्ड जवान बहुत, ऐसे हम भी नाम कमा लें, हम भी ये कर दें, तीर मार दें, हमारा नाम हो जाए, हम भी पैसा लेके बन जाएं। यहाँ पैसा नहीं लिया जाता है, यहाँ काम किया जाता है और तरीके से किया जाता है। अभी तक कहीं पर एसोसिएशन फेल हुई हो तो बताइए, चाहे भर्ती से लेके, चाहे वेतन से लेके, चाहे कायों से लेके, भ्रष्टाचार भी खुलाया तो साक्षों के साथ खुलाया है, पहले खुलाया, एक आत्महत्या कर लिया, फिर अभी देखो कितने गिरफ्त में आ गए हैं। एक और प्रकरण मिल गया शासन से, मैंने कागज़ निकला लिया, जिसमें 40 से 45 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो नीचे से लेके और सरकार तक बैठे अधिकारी खाए हैं। तो ये जांच दे रहे हैं उन्हीं को जो महाभ्रष्टाचार में लिप्त है। तो मैंने भी ठान लिया है, मैं इसके अगेंस्ट में, मैं स्वतंत्र एजेंसी से मांगा है मांग ये जांच के लिए भ्रष्टाचार की। तो नहीं मानेंगे तो मैं कोर्ट की शरण लूँगा। और ये देखो इसमें कितने नीचे से लेके और सरकार तक बैठे अधिकारी इसमें गिरफ्त में आ रहे हैं, काफ़ी काफ़ी सरकार का खजाना खाली की है। और इधर होमगार्ड को जम के लूटे, दोहरा हरण किया पैसे का, सरकार के खजाना में चूना लगाया। चाहे लखनऊ हो, चाहे आगरा हो, आगरा में देखिए संतोष जाटो कैसे जाली मोहर लगा के पैसा निकाला। तो ये जो आपका है, तो हमारा एसोसिएशन, हमारी रीड अब आज लगवाने गए थे, डीके सिंह साहब जज बैठे थे, वो थोड़ा सरकार के झुकाव में रहते थे, इसलिए ये बदल गए हैं। अब हमारी तारीख भी लगने जा रही, मैं जो भी होता सच बताता हूँ, सच के अलावा किसी गलत रास्ता नहीं दिखाता हूँ। तो आप लोगों से मेरी निवेदन है कि एसोसिएशन की पहचाने और जाने, और अपने ये आई कार्ड का महत्व आज समझ में आया है। अब मांगे हैं सब कुछ, मैं दे नहीं रहा था, लेकिन उसमें हमारा एक जिला अध्यक्ष ब्रजेश पाठक पांडे भी थे, और पूरे इसका खामियाजा पूरा प्रदेश भुगतेगा, इसलिए दे दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स दिया है मैंने। अब लेकिन मेंबरशिप मांगेंगे तो आज की बनेगी, पूर्व की नहीं बन पाएगी। और मैं फिर कहता हूँ कि एसोसिएशन वैध एसोसिएशन है, हाई कोर्ट के ऑर्डर से है, यही कागज़ सब लगे होते तो आज इनका ये हार का मुंह ना देखना पड़ता। तो खारिज सरकार की भी कर दिया रेट, और इनकी भी कर दिया, और होमगार्ड की सेवा नियमावली बनाने का सुझाव भी हाई कोर्ट ने दिया है। तो इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ ने होमगार्ड सेवा को सिविल पद धारक सरकारी कर्मचारी मानने संबंधित एकल पीठ के आदेश को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने कहा है कि होमगार्ड की सेवा वॉलेंटियर सेवा है, वो सिविल पद धारक नहीं हो सकते, इन्हें अनुच्छेद 311 का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कोर्ट ने यूपी होमगार्ड अधिनियम की धारा 12 में दी गई शक्तियों के उपयोग की क्रम में होमगार्ड के निलंबन अथवा सेवानिवृत्ति के लिए सेवा नियमावली बनाने का सुझाव दिया है, ताकि किसी भी सदस्य को सेवा मुक्ति या निलंबन की शर्तों के विनियमित किया जा सके के आदेश पर थे। प्रमुख सचिव व होमगार्ड विभाग के सचिव को भेजने को आदेश कोर्ट ने दिया है। तो आप लोग ये समझ लें कि ये जो जा रहे हैं प्राइवेट तरीके से एसोसिएशन को छोड़ के, ये लाभ नहीं पाएंगे, बल्कि वैसा करा के आएंगे पूरा प्रदेश उसका भुगतान भुगतेगा। जैसे ये लोग रंजीत कोई नाम का गया था
35-36 जवानों को लेके बाहर निकले। यही अगर होती है शोषण की तरफ तो ये बहाल होके आते, सबको फायदा मिलता और आपको सिविल धारक में भी मैं कामयाबी दिलवाता। कसाना भी कोई एसोसिएशन की तरफ से नहीं है, यही आएगा सामने, यही जो आया है इसमें यही आएगा, एसोसिएशन की तरफ से नहीं है ना, उसमें कोई लगा है, और लगा है तो इन्होंने झूठा भी लगाया है। वहाँ इनका जज, इनका वकील बोले नहीं पाया कि हम जब कहा बनाने जा रहे हैं तो उनको कहना चाहिए था हमारी एसोसिएशन बहुत पीछे से काम कर रही है, रजिस्टर्ड है, हाई कोर्ट के आदेश से, माननीय मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के आदेश के तहत है, नवीनीकरण है, काम कर रही है, तो आप लोग भ्रमित ना हो, ये हमारी हमारी रीड नहीं है, ये प्राइवेट लोग गए हैं उनकी है, जो ये आप दशा करवा दिया, जिसका भुगतान पूरा प्रदेश भुगतेगा। अब उनको विलम्ब और बढ़िया मजबूती मिल गई सरकार को, देंगे खटाखट लगा झूठा आरोप, निलंबित करेंगे या को पैसा लेंगे, तो जाइए प्राइवेट लीजिए, छकिए खूब। हम बार बार कहें एसोसिएशन को अपनी आइए मजबूत बनाइए, आप लोग साथ सहयोग दें ताकि आपको ऊंची स्तर पर बैठाने का हम काम करें, लेकिन आप लोगों अपनी बर्बादी की पटकथा होमगार्ड जवान खुद लिख रहे हैं, न जानते हैं नियम न कानून, और ये आज परिणाम सामने आया है। जिस घर में इस तरीके के चार चार पदाधिकारी वो बन जाएंगे मालिक, वो घर बर्बाद होने में कोई माइक लाल नहीं कि रोक ले बर्बादी को। यही होमगार्ड की के जो विचार हैं वो अपनी बर्बादी की पटकथा लिख रहे हैं, फ्री का पाना चाहते हैं, साथ नहीं देना चाहते, सहयोग भी नहीं देना चाहते, और जाके जबरदस्ती बीओ इंस्पेक्टर सबको जेब में खोस देंगे, लेकिन जहां से उनकी भविष्य तय होना है वहां ना आएंगे और ना साथ देंगे ना सहयोग देंगे। हमारे पास बहुत कुछ है कहने लेकिन नहीं कहूँगा, बस इतने इशारा से मेरी बात को समझते हो जान लें। जिस दिन आप लोग एसोसिएशन के पास आ जाएंगे, आवाज़ बन जाएंगे, किसी माइक लाल की हिम्मत नहीं कि आपका साथ अन्याय हो, और ऐसे जाते रहोगे आधा अधूरा केस लेके जाओगे, एसोसिएशन कहीं का ना लेटर लगा है, ना तो प्रमाण पत्र लगा है, ना तो उसमें मेंबरशिप की आई कार्ड लगा था, इसलिए उठा घड़ा का खारिज कर दिया। ये होता है प्राइवेट जाने में फायदा तुम्हें बर्बादी, तो जाइए और लोग विचार बना ले जाइए, एक खामियाजा भुगतोगे। रामनाथ जैसे थे एसोसिएशन ना होते खारिज होके आती सुप्रीम कोर्ट से, और वो तो बिकी फिर गया था, वो तो एसोसिएशन मानिए जो एसोसिएशन पूरी तरीके से लगी रही, जो आपको कामयाबी मिली, चाहे भर्ती हो, चाहे वेतन का हो, और चाहे ये भ्रष्टाचार अपने ज़िले में तमाम भ्रष्टाचार हो रहा, आप उस कागज़ को नहीं दे सकते हो तो क्या क्या सकते हो, साथ नहीं दे सकते हो तो आप एसोसिएशन का विरोध मत करिए। खा भी रहे हो एसोसिएशन दिलाया कि आज सबकी मेहनत से ईमानदारी से, और उसके बाद उसी थाली में छेद करते हो, तो ये हमारा नहीं नुकसान करें, ये पूरे प्रदेश के जवानों का नुकसान कर डाले हैं, और यही करके कसाना भी आएंगे लौट के, तब सबको मालूम हो जाएगा, ना ये एसोसिएशन पास ना करिए सहयोग, तो कम से कम एसोसिएशन का के ऊपर आरोप तो लगाना बंद कर दो। अब शब्दों को भी प्रयोग करते हो, रामेंद्र तुम्हारा क्या बिगाड़ डाल, रामेंद्र तुमको बहुत मेहनत करके ईमानदारी के साथ आज तुम्हारा भविष्य बनाया है, और आगे बनाने और संवारने का काम भी कर रहे हैं बहुत जल्द, ये भी मैं डिसाइड करके आपको ला रहा हूँ, मालूम हो जाएगा।
तो एसोसिएशन की ताकत अब मालूम हुई, अब गिड़गिड़ाए, तब मैंने चलो दे दिया है एसोसिएशन के साथ सारा कुछ फोटो कापी करा। मैंने यही सोचा ये तो नालायकी किए हैं, लेकिन पूरा प्रदेश क्यों पिसे। चलिए इसी के साथ आप लोग भ्रमित ना हो, ये प्राइवेट लोगों की है, ये एसोसिएशन तरफ से नहीं कोई केस, केस वो मैं लड़ रहा हूँ हाई कोर्ट लखनऊ। ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, और वो सब देखो वैतनिक अपने बचाने के लिए अपने ही बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों के जांच दे रहे हैं। वो जांच करेंगे तो उनको डकैतों को बिल्कुल ईमानदार दिखा देंगे, और हम जैसे हैं तो इन सरकार और ये भ्रष्टाचारियों को आवाज़ नहीं लगा उठाएंगे, बल्कि जो होमगार्ड एसोसिएशन कार्य कर रही उसको बदनाम करने का आरोप लगाने के इनके पास है, और वहाँ जहाँ भ्रष्टाचार है उनकी हिम्मत नहीं कि उनके खिलाफ एक शब्द बोल दें। ये है होमगार्ड की सोचना, और ये अपनी बर्बादी की पटकथा खुद लिख रहा होमगार्ड। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।